अभी हम आ गए हैं गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में। इस पार्क में द न्यूज़ पोस्ट की इस न्यूज़ में आपको दिखाएंगे। ये पार्क गुमला के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसको लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। हर वर्ग आयु के लोगों के लिए मनोरंजन की प्रॉपर व्यवस्था है और इस पार्क का इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि लोग यहाँ आकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। तो ये मान के चला जा सकता है कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में बड़े शहरों के तर्ज पर यहाँ पार्क की सुविधा मिलने लगी है, जहाँ पर लोग आते हैं और पार्क में यहाँ पर कहीं ना कहीं हर तरह के आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बगल की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं आपको कि यहाँ बच्चों के लिए, यहाँ पर खेल के लिए, यहाँ पर मनोरंजन के लिए कई साधन उपलब्ध हैं और यहाँ पर लोग आकर यहाँ पर मनोरंजन करते हैं। बच्चों के इंटरटेनमेंट का साधन हो या बच्चों के लिए यहाँ पर खेल कूद का साधन, वो तमाम व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई गई है जिसके कारण यहाँ पर बच्चे आकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। पार्क का परिधि काफ़ी बड़ा होने के कारण लोग काफ़ी यहाँ पर आनंद उठाते हैं और अपना अच्छा खासा यहाँ समय स्पेंड करते हैं और हर स्तर के आयु वर्ग के लोग, खास करके यहाँ पर जो अलग अलग तरह की जो प्रतिमाएं बनाई गई है वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और भरपूर यहाँ मनोरंजन करते हैं। पार्क में एक विशेष और ये ध्यान रखा गया कि पार्क को पूरी तरह से हरा भरा रखा गया, इको फ्रेंडली रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितनी हरियाली है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। बहुत पहले ये पार्क का निर्माण करके करवाया गया है, जिसके बाद लगातार प्रशासन की पहल से इस पार्क की खूबसूरती लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की एक तस्वीर भी लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, जिसे लोग आकर देखते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण केंद्र बना हुआ है यह पार्क। लोगों का कहना है कि पार्क प्रशासन ने काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया है। पार्क में बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया हुआ है, बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ हर वर्ग के इंसान आते हैं, बूढ़ों से लेकर बच्चे तक आके मनोरंजन करते हैं। बच्चों लोग के लिए ढेर सारा झूला लगा हुआ है जिसमें बच्चे लोग आके झूला झूलते हैं, बड़े लोग आके शाम में सुबह में मॉर्निंग वॉक और ये करते हैं, पीटी वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि छोटा शहर में ये एक ऐसा पार्क है गुमला में, जहाँ हर जगह से, मतलब हर ब्लॉक से इंसान यहाँ पे आते हैं पार्क घूमने के लिए, देखने के लिए। ये जो गुमला का जो पार्क है ये काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। जो प्रशासन को थोड़ा सा और ध्यान देना है और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाना है, ताकि जो बाहर से जो लोग आते हैं वो भी इसका आनंद ले सकें और इसमें पूरी तरह से लोगों का मनोरंजन हो सके। कई लोगों ने अपनी ओर से बातें भी रखी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि कैफेटेरिया की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों को भी प्रशासन अगर ध्यान देता तो निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके लोगों का यहाँ पर आना और यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ आकर मनोरंजन करना, निश्चित रूप से एक प्रशासन द्वारा भी उपलब्ध कराए गए संसाधन का बेहतर उपयोग करने का नज़ारा दर्शाता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार।